क्या आप भी किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके मन में ये सब सवाल आते होंगे कि कंपनी कैसी होगी, इस कंपनी में टाइम पर सैलरी मिलता है या नहीं मिलता है, इस कंपनी में ओवर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, इस कंपनी में खाना कैसा मिलता है, इस कंपनी में रूम कैसा मिलता है, इस कंपनी में काम कैसा रहता है। आपके मन में ये सब सवाल आते होंगे। आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हैं आज के स्टूडियो में, आपको बताऊंगा किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी 2012 में बनी थी, यानी इस कंपनी की स्थापना 2012 में हुई थी। और दोस्तों किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करती है। दोस्तों जब भी इस कंपनी की वैकेंसी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्री में आती है, आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप इंटरव्यू पास कर लेते हो, तो आप अपना एग्रीमेंट अच्छी तरह चेक करें, आपका एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एग्रीमेंट में आपकी सैलरी कितनी लग रही है, एग्रीमेंट में आपका ड्यूटी टाइम कितना लग रहा है और क्या क्या उसमें लिखा है, क्या क्या शर्तें हैं, अपना एग्रीमेंट अच्छी तरह चेक करें, उसके बाद इस कंपनी में आए। दोस्तों किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको 2-3 घंटे कंपलसरी ओवर टाइम मिल जाता है, और किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको 3 टाइम खाना कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहता है। और दोस्तों किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको मेडिकल, इंश्योरेंस, रहने के लिए रूम, साइड पर आने जाने के लिए बस, कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहता है। और दोस्तों किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको सैलरी टाइम टू टाइम मिल जाता है। और दोस्तों किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसका 1 साल का एग्रीमेंट होता है, 1 साल बाद में आपको 2-3 महीने की छुट्टी मिल जाती है, साथ में आपको आने जाने का टिकट मिलता है, साथ में आपको बोनस मिलता है। और किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको कभी इमरजेंसी काम होता है तो आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपको टिकट अपना लेना पड़ता है। मेरे को ऐसी जानकारी मिली थी, मेरे को जो भी जानकारी मिली थी मैंने आपके साथ शेयर की, किसी भाई के पास इस कंपनी की कोई और भी जानकारी है तो कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। और दोस्तों जो भी भाई इस वीडियो को किर्गिस्तान से देख रहा है उनसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी कैसी है, आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, ताकि हमारे जो भी भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आपकी कंपनी में आ रहे हैं उनको हम गलत कंपनी में फंसने से रोक सकें, उनको आपकी कंपनी के बारे में बता सकें, उनको आपकी कंपनी के बारे में जानकारी दे सकें। क्योंकि दोस्तों आजकल किर्गिस्तान में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के बहुत सारे लोग फंस रहे, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इसलिए आप अपनी कंपनी के बारे में हमें जानकारी दीजिए। अगर आप अपनी कंपनी के बारे में हमें जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। दोस्तों आज की स्टूडियो में मैंने आपको किर्गिस्तान की बोरसन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।